क्या हाल चाल है? सब लोग खैरियत से ठीक है? सीएसए स्पेशल 2023 में जो जीएसए का पेपर हुआ है उसके जो एबिलिटी पोर्शन का कंप्लीट सोल्यूशन है ना, वो इंश्योरिटीज आज हम लोग देखते हैं। इसमें जो अब ओवरऑल अगर देखा जाए एबिलिटी पोर्शन ना, इसमें तकरीबन ज्योमेट्री के कुछ दो तीन क्वेश्चन रखेंगे। जैसे मैंने स्टूडेंट्स को एक प्रडिक्शन दी थी कि ज्योमेट्री ज्यादा आना है, जैसे टाइम डिस्टेंस आना है, टाइम डिस्टेंस में से एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसी तरह हमेशा स्टूडेंट्स को बताया जाता है मेंटल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज में सही क्वेश्चन था, परसेंटेज में सही क्वेश्चन था। और जैसे मैंने स्टूडेंट्स को बताया ना कि 23-24 के लिए भी रेशियो प्रॉब्लम इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो हमारे सीएसए स्पेशल में भी रेशियो प्रॉब्लम में से दो क्वेश्चन आए हुए थे। तो इनको बारी बारी क्वेश्चन वाइज हम लोग देखेंगे। तो वीडियो तो आपको जो मिलेंगे ना, क्वेश्चन वाइज आपको मिलेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की आपको एक वीडियो मिलेगी, 6A, 6B की अलग मिलेगी, 6C की अलग मिलेगी। इस तरह आप लोगों को वीडियो आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट था, ये हमारा आया हुआ है ज्योमेट्री सेक्शन में से। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली अगर आप मेरी बुक का आप उठाओगे तो मेरी बुक का ज्योमेट्री सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 12 आपको यही मिलेगा, सिर्फ इसमें वैल्यूज का बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है जी? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर्स, एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 25 मीटर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की मतलब रेक्टेंगल किस तरह है, उसकी डायग्राम किस तरह की है। रेक्टेंगल है जिसमें आमने सामने आपकी साइड इक्वल होती है, जिसको हम कहते हैं ऑपोजिट साइड आर इक्वल, इसको हम कहेंगे रेक्टेंगल। अब इसमें ये कहता है कि हमारे पास जो लेंथ है वो 20 मीटर, लेंथ हम 20 मीटर रख लेते हैं। और फिर कहता है इसकी जो लेंथ डायगोनल की है वो 25। डायगोनल क्या होता है? इससे हम लोग डायगोनल कहते हैं जो एरिया को दो पार्ट्स में हमारे डिवाइड कर देता है, ये एक कॉर्नर दूसरे पार्ट कॉर्नर तक हम लोग जो डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हैं इसको हम डायगोनल लेंथ हम इसको कहेंगे। ये 25 मीटर्स की है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका एरिया क्या होगा? एरिया हमारे पास होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेथ। मैं हमेशा अपनी क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि ज्योमेट्री इतना मुश्किल है, ज्योमेट्री के मेन फार्मूलाज हैं। अगर आपको फार्मूलाज का आइडिया होगा तो ज्योमेट्री मुश्किल नहीं है। अब इसमें लेंथ इंटू वेथ का आपको फार्मूला लगता है। अब लेंथ तो हमारे पास गिवन है, ये कितनी है 20 मीटर। हमारे पास वेथ नहीं है, ये वेथ हम कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, ये भी 20 है मीटर्स, ये भी 20 है। इसका मतलब ये साइड और ये साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो देखा जाए तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है। ये इस ट्रायंगल को अगर देखा जाए ना, तो इसमें मेरे पास ये, इसको अगर मैं सेपरेट ड्रॉ अगर करूं तो मेरे पास ये जो ट्रायंगल आएगी इसमें 20 मीटर जो है, इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसको हम कहेंगे 20 मीटर्स की ये बेस है, ये इसमें आ जाएगा परपेंडिकुलर या आल्टीट्यूड, ये हमने फाइंड आउट करना है। अगर परपेंडिकुलर मेरे पास आ जाए तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और लेंथ इंटू वेथ करके हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये फाइंड आउट होता है परपेंडिकुलर या बेस हाइपोटेन्यूज हमारे पास पैथागोरस थ्योरम से। पैथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 20 गिवन है हमें, इज इक्वल टू बेस 20 का स्क्वायर, सॉरी ये 25 है, तो ये 20 का स्क्वायर प्लस ये हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना। 25 का स्क्वायर कितना आता है? ये आता है आपके पास 625, 25 इंटू 25, 5 5 25 टू, ये आ गया 2 5 10, 1 2 2 4 1 5। ये आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, 625 इज इक्वल टू 400 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें अब हम लोगों ने क्या करना है, 400 को हम लोग उधर ले जाते हैं, 400 उधर जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी 225। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम इसका अंडर रूट लेते हैं। एक्स विल बी इक्वल टू 225 का अंडर रूट होता है 15। अंडर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप मेरे चैनल पे जाके ना प्लेलिस्ट में जाके जो आईक्यू वाली वीडियोज हैं उनमें जाके आप चेक कर सकते हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, वहाँ पे मैंने उसके दोनों मेथड सिखाए हुए हैं। तो ये जो 15 हमारे पास एक्स की वैल्यू आई, ये एक्चुअल में हमारे पास जो विड्थ की वैल्यू आई, ये 15 मीटर आ गया।
आप ये दोनों वैल्यूज हम लेंथ और वेट्स की जगह यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा, मैं इसको जरा रेज कर दूँ, एरिया हमारे पास कितना आएगा, लेंथ हमारे पास है 20, वेट हमारे पास आ गए 15, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा 300, और ये आएगा मीटर स्केयर। एरिया के आपने यूनिट याद रखनी मीटर स्केयर में होता है, कोई भी लेंथ है वो सिंपल मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइल्स में आएगा, जबकि इसका जो एरिया है वो माइल स्केयर में आता है, मीटर स्केयर में आता है, किलोमीटर स्केयर में, सेंटीमीटर स्केयर में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, होप सो। ये आसान सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। मैं आप लोगों को अब अपनी बुक का आपको क्वेश्चन बताता हूँ, जो मेरी बुक में क्वेश्चन है। अगर आप में से किसी को, मेरी अपडेटेड बुक है जो अभी लेटेस्ट वर्जन जो आया हुआ था, उसका ये क्वेश्चन नंबर 12 है, पेज नंबर 115 पे। वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4 मीटर्स एंड इट्स डायगनल इज 5 मीटर्स, द एरिया ऑफ द फील्ड इज, वो सेम यही क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।